Assalamu alaikum. Welcome to the practical part of the previous lecture. In previous lecture, we studied about the separation of interface from implementation in object-oriented programming. तो यहाँ हम practically इसको देख लेते हैं. So let me start by creating a new project, and let me name this project, for example, employee. फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉई एक प्रोजेक्ट में क्रिएट करता हूँ. ठीक है, तो हमने कहा था कि हम एक फ़ाइल बनाएंगे और उसको हम सेव करेंगे विद एक्सटेंशन .h. सो न्यू फाइल, और इसको मैं पहले सेव करता हूँ कंट्रोल एस एंड विद एक्सटेंशन .h. तो यहाँ भी हम इसको इस तरह सेव कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ मैं इसको नाम देता हूँ एम्प्लॉई क्लास. ठीक, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्लास होगा. सो इसमें अपना कोड लिख देते हैं, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम. ओके, हैश इंक्लूड स्ट्रीम, और इसी तरह क्लास एम्प्लॉय, इसके साथ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. ओके, क्लास एम्प्लॉय, इसमें फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में लेता हूँ ई एम्प्लॉय नेम, एंड सिमिलरली इंट एम्प्लॉय एज. दो हमने प्राइवेट डेटा मेंबर्स ली. नाउ पब्लिक पार्ट ऑफ द स्टार क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. हमने कहा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके डिक्लेरेशंस होंगे, फंक्शन डिक्लेरेशंस या फंक्शन प्रोटोटाइप्स होंगे. ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि एक सेट फंक्शन और गेट फंक्शन दो फंक्शंस लिख देते हैं. सो रिटर्न टाइप ऑफ द सेट फंक्शन विल वॉइड, एंड सेट एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ द फंक्शन. इट विल टेक टू आर्ग्यूमेंट्स, वन इज स्ट्रिंग टाइप, इट इज फॉर नेम, नेक्स्ट वन इज इंट टाइप, इट इज फॉर एज. ठीक है, सो चूँकि हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप से है, तो यहाँ अगर हम ये वेरिएबल्स ना लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, और लिख भी सकते हैं. ठीक है, दूसरा हमारे पास होगा void, या तीन फंक्शन लिखते हैं, तो एक का हमारे पास रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग, और ये होगा git नेम. ठीक है, और इसमें जी, और दूसरा हमारे पास होगा रिटर्न टाइप int एंड git age, या हमारे एज रिटर्न करेगा. बस ये हमारे पास हमारा हेडर फाइल है. सो इसको सेव कर देते हैं. ठीक है, सेव हो गया. दूसरा एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल. ये हमारे पास .cpp फाइल होगा, और इसमें इस हेडर फाइल की इम्प्लीमेंटेशन होगी. ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो हेडर फाइल है ये हम इंक्लूड कर दें. तो यहाँ हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, और हम इस तरह डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एम्प्लॉय क्लास डॉट एच. ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर फंक्शन डिफिनीशंस लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शंस है. इसको मैं इस तरह कॉपी करता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी. ठीक है, और यहाँ रिटर्न टाइप एंड देन क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. ठीक है, ये हम हर एक क्लास के साथ लिखेंगे, ताकि ये हम कंपाइलर को ये बताता है कि ये जो क्लास डिफिनीशन है, ये क्लास सॉरी ये जो फंक्शन डिफिनीशन है, ये फंक्शन किस क्लास से बिलोंग करता है. ठीक है, एंड ये हमारे पास इसके बॉडीज हो जाएंगे. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर एक स्ट्रिंग नेम आएगा, एक इंट एज आएगा. सो दिस डॉट नेम, या हमारे पास इसका क्या है, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एज. ठीक है, सो यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं एम्प्लॉय नेम असाइन नेम एंड एम्प्लॉय एज असाइन एज. सिमिलरली रिटर्न एम्प्लॉय नेम एंड सिमिलरली रिटर्न एम्प्लॉय एज. ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो जाएगी, और इसको हम सेव करते हैं. यहाँ हमने सेव, अच्छा हम सेव करते हैं इसको फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय क्लास
डॉट cpp, ठीक है। सो एम्प्लॉय क्लास हो गया, एम्प्लॉय क्लास डॉट cpp को अभी मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर भी हम इसको इसी तरह इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो हैश इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे एम्प्लॉय क्लास डॉट एच, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। इन आर्गुमेंट्स को हटा देते हैं। यहाँ पर अभी एक ऑब्जेक्ट हम देंगे एम्प्लॉय क्लास का, सो एम्प्लॉय एम्प्लॉय फॉर एग्जाम्पल e1, ठीक है। नाउ e1 डॉट सिट एम्प्लॉय, और इसमें नेम पास करते हैं फॉर एग्जाम्पल सईद एंड एज इज 30, और फिर कॉल करते हैं सी आउट e1 डॉट गिट नेम, ठीक है, इन लाइन, और सी आउट e1 डॉट गिट एज इन लाइन, ठीक। और इसको मेन डॉट सी पी पी सेव कर देते हैं, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं और रन कर देते हैं, देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो देखिए हमें आउटपुट मिल गया, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, इस पूरे प्रोग्राम को हम पहले एक फाइल के अंदर लिख देते थे, ठीक है। हमारे पास एक क्लास होती थी, ये जो हमारे पास फंक्शन डिफिनीशंस है ये इस क्लास के अंदर होती थी, या इसी एक फाइल के अंदर होती थी लेकिन क्लास के बाहर होती थी, लेकिन इस फाइल के अंदर होती थी और मेन में हम उस क्लास को यूज़ करते थे। अभी हमने क्या कर दिया, हमने अपनी एक प्रोग्राम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास डॉट एच फाइल जो है ये इंटरफेस बन गया, ये आप यूज़र को इसी तरह देंगे इन सोर्स कोड फॉर्मेट। तो देखिए यूज़र को यहाँ से पता चलता है कि अच्छा सिट एम्प्लॉय इज़ एन इंटरफेस, ये मेरे पास इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सिट कर सकता हूँ, उसमें वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। अच्छा मैंने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सिट कर दिया, फिर मुझे नेम चाहिए, सो गिट नेम दिस इज माई इंटरफेस, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो मुझे नेम मिल जाएगा। सिमिलरली गिट एज दिस इज अनदर इंटरफेस, इसको मैं कॉल करूँगा तो मुझे एज मिल जाएगा। और इसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ एम्प्लॉय क्लास, ये है, ठीक है। तो अगर अभी चूँकि हमने कंपाइल कर दिया तो इस क्लास का सॉरी इस फाइल का कंपाइल वर्जन हमारे कंप्यूटर के ऊपर अभी सेव है। तो अगर मैं अभी इस डॉट सी पी पी फाइल को डिलीट भी कर दूँ तो चूँकि कंपाइल फॉर्म उसका मौजूद है और यहाँ डॉट एच मौजूद है, यहाँ मेन सी पी पी मौजूद है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए इस फाइल की एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए ना कि सोर्स फाइल। तो ये आप अगर फॉर एग्जांपल कल को इस तरह कोई लाइब्रेरी लिखेंगे तो ये जो डॉट सी पी पी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फाइल है ये आप क्लाइंट को देंगे बट इन मशीन रेडिबल फॉर्म, नॉट इन सोर्स कोड फॉर्म, ठीक है। और उसको पता इन इंटरफेसिस से होगा कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल गेट सेट फंक्शन कॉल करने हैं तो कौन कौन से फंक्शन हैं, और इसी तरह वो अपने प्रोग्राम में यूज़ करेगा। सो दिस इज़ हाउ वी सेपरेट इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।